सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक अगेन इन द न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं कोलकाता के दो सबसे खूबसूरत पंडाल को विजिट करने। जैसा कि आज का जो दिन है वो है नवरात्रि का पहला दिन, और कोलकाता में दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज से लेकर 10 दिन तक दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन कोलकाता में बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है, पूरा कोलकाता को सजाया जाता है। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे पंडाल हैं जो ओपन नहीं हुए हैं, और दो पंडाल जो कि फेमस पंडाल है कोलकाता का वो ओपन हो चुका है। और ये है साउथ सिटी बिल्डिंग, क्या डेकोरेटेड किया है यार, मस्त लग रहा है। देखो साउथ सिटी मॉल है, इसके पीछे बिल्डिंग है, काफ़ी सुंदर। तो इस तरह से ही कोलकाता को दुर्गा पूजा में सजाया जाता है। Fly away, oh my side, you should know that something's gonna happen. Tis summer, do you wanna ride, baby? So दोस्तों, अभी जो पंडाल हम लोग विजिट करने आए हैं वो जोधपुर पार्क एरिया का सबसे खूबसूरत पंडाल है, जो 95 पल्ली एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट गड़ियाहाट मोड़ पहुंच गए, वहां हमारा सेकंड पंडाल विजिट करेंगे। वहां पे जो पंडाल बनाया गया है वो एक डालिया एवरग्रीन क्लब के द्वारा आयोजित किया गया पंडाल है, जो कि हर साल बहुत ही खूबसूरत पंडाल बनाता है। तो दोस्तों, आज के दिन का सेकंड पंडाल कंप्लीट हो गया विजिट करना। इसके बाद हम लोग थर्ड पंडाल विजिट करने जा रहे हैं, वो एक डालिया पंडाल के ठीक अपोजिट वाले रास्ते में बनाया गया सिंघी पार्क का सबसे खूबसूरत पंडाल है। तो ऑल राइट दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 पंडाल्स विजिट किए, और अभी जो टाइम हो रहा है वो 1:10 हो रहा है और काफ़ी रात हो चुका है। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और भी बहुत सारे पंडाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विजिट करेंगे, जो कोलकाता के काफ़ी फेमस पंडाल्स होते हैं उसमें मैं विजिट करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।